हेलो स्टूडेंट्स वेरी लवली वेलकम टू ऑल टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर इन स्पेस ऑफ योर बुक ओके सो हियर इन दिस चैप्टर हमें ये देखना है कि मिस्ट्रीज़ जो हैं ऊपर चार लाइन दिए हुए हैं मैं उसे पढ़ लेता हूँ पहले सिंस 1957 फिफ्टी स्पेसक्राफ्ट्स हैव बीन सेंट टू द स्पेस टू अनेबल सम्स मिस्ट्री these questions to brush up your knowledge on space exploration you can use the words given in the help box okay तो स्पेस क्राफ्ट मतलब वो चीज़ या फिर वो शिप कह सकते हो स्पेस शिप कह सकते हो वो भेजे गए हैं अंतरिक्ष में ताकि जो भी मिस्ट्रीज़ हैं इस वर्ल्ड के इस यूनिवर्स की वो हमें पता चल सके क्योंकि कब कौन सा डेंजर आ जाएगा धरती पर वो किसी को भी नहीं पता है जब तक हम बाहर से इन्फॉर्मेशन गेन ना करते हैं और बाहर से इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए ही स्पेस को बाहर भेजे जाते हैं तो नाइनटीन से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था ओके okay? तो कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं करवाऊंगा अभी नंबर वन है 1957 द यूएसएसआर लॉन्च्ड द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू द ऑर्बिट द अर्थ व्हाट वाज द सैटेलाइट कॉल्ड ओके तो 1957 में जो इस दुनिया का मतलब अपने अर्थ का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया गया था यूएसएसआर के द्वारा उसका नाम क्या था तो उसका नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीचे हेल्प बॉक्स में स्पटनिक फर्स्ट ओके तो जो फर्स्ट वाला है वो आपका आंसर होगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए सोवेंट कॉस्मोनाउट यूरी गैगेरिन वाज़ द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू ट्रेवल इन स्पेस इन विच स्पेसक्राफ्ट डिड ही ऑर्बिट द अर्थ ओके तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि ये जो नेम वाला पर्सन है गैगरिन ये पहली बार जो है वो धरती का चक्कर लगाया था एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बैठकर मतलब एक स्पेसक्राफ्ट पे बैठ के तो उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था आप हेल्प बॉक्स में सेकंड रो में देखोगे वॉस्टॉक फर्स्ट तो ये इसका आंसर होगा उसी में इन्होंने बैठ के धरती को देखा था और ये समझा था कि बादल जो हैं वो हिलते हैं और समुद्र को इन्होंने देखा था जो माउंटेन रेंजेज़ होते हैं ओके वो असल में कैसे दिखते हैं और उसके आसपास की जो इलाके उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और फोटोग्राफ्स भी अगर आप गूगल करते हो इनके नाम पर सर्च करके तो आपको बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स भी मिल जाएंगी जो उन्होंने उस वक्त खींची थी नंबर थ्री है द रशियन स्पेसक्राफ्ट वास्कॉट सेकंड कैरिड कॉस्मोनॉट एलेक्जी ए लियोनोव हु क्रिएटेड अ माइलस्टोन इन स्पेस मिशंस व्हाट डिड ही डू ओके तो ये इनका एक नाम दिया गया है और साथ में स्पेसक्राफ्ट का भी नाम दिया गया है तो उन्होंने अपने मिशन में क्या किया था ये पूछा जा रहा है तो वो इसका आंसर है जो लास्ट वाला फ्रेज दिया है आपके हेल्प बॉक्स में नीचे ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस वॉक इन स्पेस का मतलब होता है स्पेस तो एक मतलब खाली जगह है वैक्यूम है वहां पे वॉक नहीं कर सकते इसका मतलब है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम स्पेस से बाहर निकला था और कह सकते हो वो जो फ्लाइंग होती है जो हम लोग देखते हैं जनरली एस्ट्रोनॉट्स जो फ्लाई करते हैं या जो भी आप कहते हो ज़ीरो ग्रेविटी में जो वो लोग स्विम करते हैं आप ये भी कह सकते हो तो वो उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था ओके नंबर फोर देखो ऑन ट्वेंटी दिसंबर 1968, सिक्सटी एट एंड विलियम एंड्रेस बिकम द फर्स्ट पीपल टू ऑर्बिट द मून एब्रॉड विच स्पेस क्राफ्ट डिड डू दिस तो 1968 में ऑर्बिट माने मून का चक्कर लगाने वाले ये तीन लोग थे इनके सैटेलाइट का नाम पूछा जा रहा है तो ये सैटेलाइट अपोलो एट इस सैटेलाइट का इन्होंने यूज किया था स्पेसक्राफ्ट का इस इन्होंने यूज किया था नंबर फिफ्थ है व्हिच स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड ऑन 16 जुलाई 1969 कैरिड द फर्स्ट ह्यूमंस टू लैंड ऑन द मून ओके तो फर्स्ट ह्यूमन को जो मून पे जिस सैटेलाइट ने जिस स्पेसक्राफ्ट ने लॉन्च किया था उसका नाम क्या है तो वो होगा अपोलो 11th ओके okay? उसके बाद दिया है इन नाइनटीन सेवेंटीज़ विच स्पेस क्राफ्ट मेड हिस्ट्री बाई बींग फर्स्ट टू फ्लाई पास्ट टू प्लान विनस एंड मर्क्यूरी नाइनटीन सेवेंटी में एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाया गया जो वीनस ही नहीं मर्क्य तक भी जा पहुंचा तो उस स्पे स्पेस क्राफ्ट का नाम है मैरिनर टेंथ ओके तो ये जो स्पेसक्राफ्ट था ये पहली बार मर्क्य के फोटोज ले आया था ओके okay? और बहुत ही नज़दीक से मर्क्य को पढ़ाई हुई थी मतलब उस समय जो स्टडी हुई थी मरकरी के ऊपर वो बहुत ही अच्छे से हो पाई थी मतलब कैसा कैसा है उसका लैंड कैसा है उस पर जो एटमोसफियर नहीं है वो इसी सैटेलाइट की मदद से पता चला था कि उस पर एटमोसफियर नहीं है ओके okay, हवा नहीं है उस पर बस वो एक बंजर सा पत्थर है ओके स्पेरिकल शेप में बस यही सारी चीज़ें पता चली थी उस वक्त विच इज़ द फर्स्ट इंडियन डेडिकेटेड मल्टी वेवलन स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाई इसरो इन सेप्टेम्बर टू मल्टी वेव लेंथ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स ओके तो ये एक संस्था है कह सकते हो इसरो आप जानते हो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है इंडिया का उसने एक संस्था स्टार्ट की थी ओके okay? और वो क्या है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स के ऊपर था तो उस संस्था का नाम था एस्ट्रोस्टेट जो लास्ट आंसर है आपका ओके okay? ये सारी जो है कुछ जनरल चीजें हैं अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं इसी चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स दिया है देखो फर्स्ट क्या है

तेजी से फैलेंगे उसके बाद तुरंत श्रिंक हो जाते हैं व्हाइट में मतलब ड्वार्फ प्लेनेट में वो श्रिंक हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं लेकिन कुछ जो है वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाते हैं कि वो बर्स्ट कर जाते हैं और उसी में से नए स्टार्स निकलते हैं तो उसका उसका नाम नाम क्या है उसका नाम होगा सुपरनोवा ओके मतलब ये जो आपका ब्लैंक है फिलिंग द ब्लैंक इसमें आप सुपरनोवा लिखोगे नंबर सेकंड है सम गैलेक्सीज दैट आर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम अर्थ हैविंग स्मॉल येट ब्राइट सेंटर्स दीज सेंटर्स आर क्वासि रेडियो इन द यूनिवर्स एंड आर नोन एस क्वासर होगा इसका नेम ओके okay? तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो ब्राइट सेंटर्स की तरह दिखती हैं दूर से रेडियो सोर्सेस हैं रेडियो मतलब आवाजें आती हैं शायद यहाँ से वैकोम में तो पता नहीं चलता लेकिन ऐसा सोचा जाता है माना जाता है कि आवाजें निकलती हैं तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्वासर कहा जाता है नेक्स्ट है नंबर थ्री अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विच एमिट एक्सट्रीमली रेगुलर पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स एंड ए फ्यू ऑफ विच एमिट शॉर्ट रिदमिक बर्स्ट ऑफ विजिबल लाइट एक्स रेज एंड गामा रेज आर कॉल्ड पल्सेटिंग रेडियो स्टार्स और पल्सर ओके तो ये जो नेम है ये बहुत ही कॉमन सा नेम है बाइक का भी नाम है ये तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ रेडियो वेव्स निकलते हैं मतलब गामा रेज एक्स रेस ये सारा कुछ निकलता है इस बॉडी में से ओके okay? ग्रुप ऑफ सेलेशियल बॉडीज भी है यहाँ पे ओके okay? और वो जो वेव्स निकालते हैं उसमें से उस वेव को कहा जाता है पल्सर नेक्स्ट है नंबर फोर डैश वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज द थ्योरी दैट सैटन हैज रिंग्स दैट ऑर्बिट द प्लानट तो मतलब ये जो हैं ये एस्ट्रोनॉट हैं या जो भी कह सकते हो साइंटिस्ट हैं इन्होंने पता लगाया था कि सैटन के जो रिंग्स हैं वो उसी को ऑर्बिट करते हैं तो इनका नाम होगा क्रिस्टियन हाइगेंस ओके इन्होंने ही पता किया था नंबर फिफ्थ है द प्लान डैश हैज मैसिव कैनियन नोन एज वैली वैलेस मैरिनर्स विच स्ट्रेच टू मोर देन फोर थाउजेंड किलोमीटर्स अक्रॉस इट्स ओके एक मैसिव कैनियन है इसके पास ओके okay? जो लगभग चार हजार किलोमीटर उसका सरफेस एरिया है तो ये जो है ये मार्स में पाया जाता है ओके okay? और उसके बाद ट्रूफॉल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ हैं देखो लाइक अर्थ वीनस एंड मार्स सॉरी लाइक अर्थ वीनस एंड मार्स मैग्नेटिक पोल्स तो पूछा जा रहा है कि जैसे अर्थ के पास मैग्नेटिक पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल वैसे ही वीनस और मार्स के पास भी हैं क्या तो ये फॉल्स होगा क्योंकि पहली बात कि मार्स जो है वो एक जला हुआ प्लानेट है इसके पास एटमोसफियर बहुत कम है तो जाहिर सी बात है और मतलब इसके पास ग्रेविटी उतनी नहीं है कि एटमोसफियर को रोक सके इसलिए इसके पास पोल्स

तो ये ट्रू होगा नंबर फोर है सेटर्न स्पिन्स मोर रैपिडली देन एनी अदर प्लैनेट प्लान डे फ्रॉम सनराइज टू सनसेट ऑफ लेस देन टेन आवर्स ओके तो इसका ये इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सैटर का जो डे टाइम है ओके okay, वो लेस देन टेन आवर्स है तो ये यहाँ पे फॉल्स होगा क्योंकि सैटर्न uh, जो है सैटरन स्पिन्स मोर रैपिडली देन एनी अदर प्लानट सेटर्न जो है वो किसी भी प्लानट से बहुत ज़्यादा स्पिन करता है नंबर फाइव है मैनी ऑफ द मून्स ऑफ यूरेनस हैम्ड आफ्टर करेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्लेस तो ये ट्रू होगा ओके okay? शेक्सपियर uh, जो उन, उनके सारे बहुत सारे ड्रामा सीन्स हैं बुक्स हैं जिसमें से ही यूरनस के जो स्टार्स हैं मतलब कह सकते हो मूनस हैं है, उनका नाम दिया गया है नंबर सिक्स है टाइटन द सेटेलाइट ऑफ सैटन इज़ द ओनली मून इन सोलर सिस्टम विद अ थिक एटमोसफियर ओके तो सैटन के पास एक ऐसा भी सैटेलाइट है जिसके पास एक बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है जैसे अपने मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है लेकिन सेटन का जो मून है उसके पास एटमॉस्फेयर है तो ये ट्रू होगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ द कंट्रीज शील्ड शील्ड इन सेंस कह सकते हो आप प्रोटेक्शन होता है या फिर गौरव की बात होती है ओके तो यही यहाँ पे बताया गया है कुछ क्वेश्चन हैं साधारण से हैं मेमोराइज करने होंगे आपको हु सर्व्स एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विसेस ओके तो मतलब सुप्रीम कमांडर मतलब इंडियन डिफेंस मतलब जो पूरा आपका आर्मी है तीनों ओके नेवल एयर एंड बी एस एफ ये जो तीनों हैं इन्हें कौन जो है कमांडर कौन है इसका तो ये होगा द प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री यही कमांड करते हैं नंबर सेकेंड है इन हाउ मैनी कमांड्स इज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज ओके तो कितने कमांड्स मतलब कह सकते कितने लेवल्स में है तो वो सेवन होगा सिक्स जो है वो ऑपरेशनल होता है और एक जो है वो ट्रेनिंग होता है सिक्स ऑपरेशनल मतलब जो इन द फील्ड वर्क कर रहे हैं मतलब जो ऑलरेडी ऑन ड्यूटी हैं और एक जो होता है वो ट्रेनिंग के अंडर होता है मतलब ट्रेनिंग के बाद वो भी किसी सिक्स में से एक में चले जाते हैं ओके नंबर थर्ड है नेम द रैंक दैट कम्स बिटवीन ग्रुप कैप्टन एंड स्क्वाड्रन लीडर इन द इंडियन एयरफोर्स ओके तो वो रैंक या फिर कह सकते हो वो पोस्ट कौन सी है तो वो पोस्ट है विंग कमांडर की जो दोनों को कनेक्ट करता है नंबर रैंक कम्स बिटवीन तो ये है कमांडर की पोस्ट नंबर फाइव नेम द रैंक दैट कम्स बिटवीन मेजर जनरल एंड कर्नल इन इंडियन आर्मी तो ये होगा ब्रिगेडियर ओके okay? ये आप पोस्ट बहुत साधारण सुने होंगे okay? ये ब्रिगेडियर की पोस्ट होती है नंबर सिक्स है द इंडियन नेवी वॉज अर्ली नोन एज द रॉयल इंडियन नेवी वेन वॉज द वर्ड रॉयल ड्रॉप्ड रॉयल जो वर्ड है वो किस दिन ड्रॉप किया गया था तो इस डेट ये डेट है ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ओके नाइनटीन फिफ्टी ट्वेंटी सिक्स जनवरी को ये जो रॉयल वर्ड है वो ड्रॉप कर कर हटा दिया गया और इंडियन नेवी सिर्फ यही वर्ड रह गया था नंबर हु द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ आफ्टर इंडिपेंडेंस ओके फर्स्ट चीफ कौन था तो इनका नेम है वाइस एडमिरल आर डी कटारी नंबर एट बिकेम द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया है हाइएस्ट रैंक इन इंडियन आर्मी ओके तो दो क्वालिफिकेशन है इनकी इनका नेम है सैम मनेक नंबर नाइन्थ वेन इज द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व बहुत आसान है ये फिफ्टीन जनवरी को होता है इंडियन एयरफोर्स डे अभी कुछ दिन पहले ही गया एट्थ अक्टूबर ओके नेवी डे जो है वो फोर्थ दिसंबर को होता है याद रखना नंबर ट्वेल्थ हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ओके इंडिपेंडेंट जब इंडिया को आज़ादी मिल गई थी तो पहला कमांडर इन चीफ कौन था तो इनका नाम है जेला नंबर थर्टीन वॉज द फर्स्ट सॉरी हु वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन एयर फोर्स एंड वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन नाइनटीन फिफ्टी फोर नाइनटीन फिफ्टी फोर में ये मतलब फाउंडर मेंबर कौन बना था तो इनका नाम है एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी नंबर फोर्टीन हु वॉज़ द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स फर्स्ट वुमेन की भी यहाँ पे बात हुई है तो इनका नाम है पदमावती बोंदोपाध्याय ओके okay, ये एक बंगाली नेम है नंबर फिफ्टींथ विच प्लेस इज़ रेफर टू एज वर्ल्ड्स हाइएस्ट बैटल फील्ड तो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जंग जंग होती है इंडिया पाकिस्तान और चाइना ये तीनों देश जो हैं आपस में लड़ते हैं ओके okay, सो so आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट डे हम लोग आगे के चैप्टर्स करेंगे थैंक यू एवरीवन